Hey guys, welcome back. So today we will see the concept of this keyword in JavaScript. मुझे पता है कि ये जो this keyword का concept है वो थोड़ा सा confusing जरूर है, but हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे concept को, पूरे confusing से concept को हम थोड़ा थोड़ा break down करें and then हम इसे समझें so that at last हमें इस concept का basic but clear idea लगे कि ये this keyword क्या होता है so that we can crack our interview. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले कि ये दिस कीवर्ड होता क्या है. सो इन जावास्क्रिप्ट द दिस कीवर्ड ऑलवेज रिफर्स टू एन ऑब्जेक्ट. सो इसे डीप में समझने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक डेली लाइफ से रिलेट कर लेते हैं इसको, सो दैट हम इसे थोड़ा इजीली समझ पाए. ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक न्यू टैब ओपन करती हूँ एंड लेट मी आस्क यू गाइस सम क्वेश्चंस. ठीक है, व्हाट इज दिस? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज दिस, सो यू गाइस विल आंसर इट लाइक दिस इज अ सर्च बार. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अ व्हाट्सएप. व्हाट इज दिस? दिस इज इंस्टाग्राम. तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, मेरा क्वेश्चन हमेशा सेम है कि व्हाट इज दिस, लेकिन जो दिस है उसका रेफरेंस, उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है. ठीक है, जब मैंने यहाँ पे पॉइंट किया था तो जो दिस की वैल्यू थी वो चेंज थी, उसका जो रेफरेंस था वो कहाँ पॉइंट कर रहा था, सर्च बार पे. यहाँ पर किसे पॉइंट कर रहा था, व्हाट्सएप पे. यहाँ पर किसे पॉइंट कर रहा था, इंस्टाग्राम पे. सो बेसिकली यदि हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा डेली लाइफ में कि व्हाट इज दिस, एंड वो जिस भी चीज को पॉइंट कर रहा होगा हम दिस की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे. ठीक है, तो सिमिलरली जावास्क्रिप्ट में भी क्या होता है, सेम चीज होती है. जो जावास्क्रिप्ट होता है उसमें जो दिस कीवर्ड होता है, सबसे पहली चीज आप लोगों को इंटरव्यूअर को ये बता देना है कि जो दिस है वो कीवर्ड है, ना कि कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम अपडेट कर सकते हैं. ये एक कीवर्ड है जो कि हमेशा ऑब्जेक्ट को रिफर करता है, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द सिनेरियोस. ठीक है, हमेशा ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को तो रेफर करेगा ही, लेकिन इसका जो रेफरेंस होगा या इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा चेंज होती रहेगी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अ सिनेरियो इन विच दिस इज बीइंग कॉल्ड. ठीक है, इसके कुछ डिफरेंट वेज होते हैं जिसमें हम दिस कीवर्ड को यूज कर सकते हैं. पहले हम देख लेते हैं बाय इटसेल्फ. ठीक, तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले वीएस कोड ओपन कर लेते हैं यहाँ पर हम अपना. एंड यहाँ पे मैंने एक HTML फाइल बना के रखी है, एंड सिंस वी नीड टू राइट जावास्क्रिप्ट कोड इनसाइड HTML, सो हमें क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग में लगा देती हूँ एंड बाय इटसेल्फ. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले अगर मैं लिख दूँ कंसोल डॉट लॉग, एंड मैं सिंपली इसको यहाँ कॉल कर देती हूँ दिस को. मैं क्या कर रही हूँ, कंसोल डॉट लॉग करवा रही हूँ दिस को. दिस है वो हमेशा, है वो हमेशा किसको रिफर करता है, ऑब्जेक्ट को रिफर करता है. बट यहाँ पे आप लोग ध्यान दो, लाइन नंबर 9 में मैं दिस को कॉल कर रही हूँ और इसका कोई ओनर ऑब्जेक्ट नहीं है. ठीक है, ना इसके ऊपर हमने कोई ऑब्जेक्ट लिखा है, ना इसके नीचे हमने कोई ऑब्जेक्ट लिखा है, हमने सिर्फ एक जावास्क्रिप्ट की लाइन लिखी है, कंसोल डॉट लॉग दिस. अब हमारा ये दिस क्या वैल्यू देगा वो हम देखते हैं अपने इंस्पेक्ट में जाके. सो ये हमारा कंसोल. अब तो ये हमें क्या आउटपुट दे रहा है, ये कंसोल करवा रहा है दिस का जो रेफरेंस है, दिस की जो वैल्यू है, आप देखो ये ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ये हमें क्या दे रहा है, एक विंडो ऑब्जेक्ट दे रहा है. और ये विंडो ऑब्जेक्ट आप लोगों को आई होप पता हो, यदि आप लोगों को डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में पता होगा तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे कि ये विंडो क्या है. ठीक है, अभी मैं एकदम ब्रीफ में बता देती हूँ कि जो हमारा पूरा ये जो पेज है ना, जो भी हमारा ब्राउजर में हमारा वेब पेज जब भी यहाँ पे इस तरीके से डिस्प्ले होता है तो वो किस किस वे में डिस्प्ले होता है, वो होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के वे में यहाँ पे डिस्प्ले होता है. और उसके अकॉर्डिंग, उस मॉडल के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा जो डॉक्यूमेंट सॉरी सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो है हमारा विंडो ऑब्जेक्ट. ठीक है, उसी के अंदर हम अपनी फाइल बनाते हैं, उसके अंदर फंक्शंस लिखते हैं, मेथड्स लिखते हैं, ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं. सबसे बड़ा पेरेंट ऑब्जेक्ट है वो है हमारा विंडो ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पर सेम चीज हो रही है कि यार ये जो हमने कंसोल डॉट लॉग दिस लिखा है, इसका तो कोई ओनर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो किसे रिफर करेगा, वो रिफर करेगा विंडो ऑब्जेक्ट को. ठीक है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट को भी हम कह सकते हैं वो रिफर करेगा. विंडो ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट एट दिस टाइम. सो
This refers to a global object or a window object when it is being called by itself. Now let's see another ways. ठीक है, अभी मैं इसको कर देती हूँ comment. अब देखते हैं second scenario. यदि मैं this को call करूँ object method के अंदर, ठीक है, तो inside मैं लिखती हूँ inside object model, sorry object method. तो सबसे पहले हम एक object बना लेते हैं. कॉन्स्टेंट, लेट मी से ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे एक दे देती हूँ नेम प्रॉपर्टी, जिसकी वैल्यू मैं ऑब्वियसली दूंगी क्या योशिता. आप लोग इतने वीडियोस देख चुके हैं, आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या वैल्यूज हमेशा लेती हूँ. सो योशिता, अगर आप चाहते हैं मैं कुछ और वैल्यू लिखूँ, आप लोग इस नाम से बोर हो चुके हैं तो आप कॉमेंट में बता सकते हैं. ओके, सो अगर मैं लिखूँ लास्ट नेम, सो लास्ट नेम प्रॉपर्टी मैं दे देती हूँ यहाँ पर जैन, ठीक है. एंड नाउ अब मेथड लिखती हूँ, ठीक है. तो यहाँ पर मैं दे देती हूँ फुल नेम, ये एक होगा हमारा फंक्शन, ठीक है. एंड इसके अंदर मैं कर देती हूँ रिटर्न दिस, सॉरी व्हाट टाइम टाइपिंग, रिटर्न दिस. नाउ एंड नाउ हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं. तो हम कैसे कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट फुल नेम, ठीक है. ऑब्जेक्ट डॉट फुल नेम कर लिया, तो अब हमें क्या रिटर्न होगा, अब हमें इसका आउटपुट क्या आएगा कंसोल में, लेट्स चेक. ओके, 1 मिनट, मैंने इसे कंसोल नहीं करवाया है. सो लेट मी राइट कंसोल डॉट लॉग एंड इनसाइड दिस मैं यहाँ पर इसको कॉल कर लेती हूँ, ठीक है. कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी एंड लेट मी सेव इट. ओके, 1 मिनट, या लेट मी सेव इट. ठीक है, अब हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें विंडो ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है. अब हमें क्या वैल्यू मिल रही है दिस की, हमें मिल रहा है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि कुछ वैल्यूज कंटेन कर रहा है. कौन सा ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट हमारा ये ही वाला है, ठीक है, जो हमने क्रिएट किया है, ठीक है. तो इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, जो दिस है वो अपने ओनर ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है, क्योंकि उसके पास उसका ओनर ऑब्जेक्ट है, इसलिए उसको ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रिफर करने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज हाउ इट बिहेव्स, और दिस इज व्हाट वी गेट द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन वी कॉल इट इनसाइड आवर ऑब्जेक्ट मेथड, ठीक है. तो हमें इतना क्लियर हो गया, ये जो दिस है वो किसको रिफर कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है. इट मीन्स हम दिस डॉट नेम लिखें तो क्या होगा, ये ओबीजे डॉट नेम, ठीक है, प्लस अगर मैं लास्ट नेम को एक्सेस करना चाहती हूँ तो मैं दिस डॉट लास्ट नेम लिख सकती हूँ, ठीक है, या तो मैं दिस डॉट लास्ट नेम लिख सकती हूँ या तो मैं ओबीजे डॉट लास्ट नेम लिख सकती हूँ. दोनों का मीनिंग यहाँ पर सेम होगा. सो नाउ लेट्स चेंज इट टू दिस ओनली एंड नाउ चेक द आउटपुट कि हमें क्या आउटपुट मिल रहा है. सो एज यू गाइस कैन सी वी आर गेटिंग आउटपुट एज योशिता जैन. सो दिस इज हाउ दिस बिहेव्स इनसाइड ऑब्जेक्ट मेथड, ठीक है. ये तो हो गया ऑब्जेक्ट मेथड. अब हम इसको भी यहाँ पे कमेंट कर देते हैं. अब हम देखते हैं दूसरा सिनेरियो. अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं इसको किसी फंक्शन के अंदर कॉल करूं, इनसाइड फंक्शन यदि हम अपने दिस को कॉल करते हैं, तो लेट मी क्रिएट वन फंक्शन, फंक्शन इसका नाम दे देते हैं, फंक्शन का नाम मैं एक्स वाई जेड दे देती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता मुझे क्या और देना चाहिए नाम. अगेन अगर इस फंक्शन के अंदर मैं सिंपली क्या कर दूं, रिटर्न कर देती हूँ दिस को, ठीक है. एंड अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड को हम यहाँ कॉल कर लेते हैं, मैं इसे सेव कर लेती हूँ. सो व्हाट विल बी द आउटपुट, ओके, वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, वाई, बिकॉज अगेन या कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड को कॉल करना है. सो हम यहाँ कॉल कर लेते हैं एंड नाउ लेट्स सी. तो अगेन हमें क्या मिल रहा है, विंडो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और इसका रीजन क्या है, क्योंकि मैंने बोला था कि जो दिस होता है वो हमेशा किसे रिफर करता है, हमेशा ऑब्जेक्ट को रिफर करता है. हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन के आगे पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे वो रिफर कर सके, ठीक है. हमने इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, कुछ नहीं किया है, तो ये जो दिस है वो किसको रिफर करेगा,
सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्ट है विंडो ऑब्जेक्ट, उसको रिफर करेगा क्योंकि एट लास्ट उसे रिफर किसे करना है, ऑब्जेक्ट को ही रिफर करना है। तो फंक्शन के अंदर जो दिस होता है वो कुछ इस तरीके से बिहेव करता है। अगर अब सपोज करो मैं यहाँ पे यूज स्ट्रिक्ट का यूज करूँ, ठीक है, यूज स्ट्रिक्ट अगर मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको मैं सेव कर रही हूँ, एंड अब आप देखो मुझे वैल्यू क्या मिल रही है। मुझे वैल्यू मिल रही है अनडिफाइंड, ठीक है। जब भी हम यूज स्ट्रिक्ट सिनेरियो का यूज करते हैं और अपने फंक्शन के अंदर दिस कीवर्ड का यूज करते हैं, तो उस केस में हमारे साथ क्या होता है, उस केस में हमें जो आउटपुट मिलता है वो मिलता है अनडिफाइंड। जावास्क्रिप्ट हमें बोल देता है कि भाई मैं बहुत स्ट्रिक्टली सारी चीजों पे काम कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे आपने कुछ रेफरेंस दिया नहीं है, तो मैं ऑटोमेटिकली तो कुछ काम नहीं करने वाला हूँ, और मुझे नहीं पता कि आप ये वाला जो दिस है वो किसे रेफर कर रहा है, इसलिए मैं इसकी वैल्यू अनडिफाइंड दे रहा हूँ। सो ये जो थे ये कुछ बेसिक से सिनेरियोज थे, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था हमारा दिस कीवर्ड का। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि ये दिस कीवर्ड क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, किस तरीके से ये सिनेरियोज के बेसिस पे अपनी वैल्यूज को चेंज करता है, ठीक है। ये हमने कुछ सिनेरियोज देखे, ऐसे ही कॉल अप्लाई बाइंड यदि आप लोगों ने होगा, जो कि इंटरव्यू में काफी ज्यादा पूछा जाता है, इन मेथड्स के अंदर भी हम दिस का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये मेथड्स क्या होती हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट फॉर नाउ आई गेस दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट बिफोर लिविंग यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।